हेलो दोस्तों, वेलकम टू फसाइल नॉलेज। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की एक बहुत ही फेमस टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बजाज ऑटो 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करती है। बजाज ऑटो की स्थापना जमन लाल बजाज ने 29 नवंबर 1945 को राजस्थान में की थी। शुरुआत में इसे बजराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नाम दिया गया था। शुरुआत में बजाज वेस्पा स्कूटर्स को इंपोर्ट कर इंडिया में सेल किया करती थी। 1959 में बजाज ऑटो ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इटालियन कंपनी पियागो से लाइसेंस लेकर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की। कंपनी ने बजाज चेतक और बजाज सुपर जैसे स्कूटर्स को इंडियन मार्केट में उतारा। इन स्कूटर्स के लिए एक एड फिल्म हमारा बजाज बनाई गई थी, जो भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुई। 1980s में भारत में मोटरसाइकिल्स का दौर शुरू हुआ। मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजाज ने जापान की टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कावासाकी से पार्टनरशिप की और अपनी पहली दो मोटरसाइकिल्स KB100 और KB125 को लॉन्च किया। इसी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए बजाज ने 1997 में कावासाकी बॉक्सर को इंडिया में लॉन्च किया। 21वीं सदी की शुरुआत में भारत में किफ़ायती और पावरफुल बाइक्स की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए बजाज ने अपनी आइकॉनिक पल्सर सीरीज़ को लॉन्च किया। पल्सर किफ़ायती और पावरफुल होने की वजह से युवाओं की पहली पसंद बन गई। 2004 में बजाज ने CT100 और डिस्कवर जैसी कम्यूटर बाइक्स को लॉन्च किया। 2005 में बजाज ने अपनी आइकॉनिक एवेंजर सीरीज़ को लॉन्च किया। 2008 में बजाज ने अनाउंस किया कि वो ऑस्ट्रियन कंपनी KTM के साथ पार्टनरशिप करेगी और KTM बाइक्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। 2012 में बजाज ने ड्यूक 200 और RC 200 को इंडिया में लॉन्च किया। बजाज ने NS 200 को भी लॉन्च किया, जो ड्यूक 200 पर बेस्ड बाइक थी। नेक्स्ट ईयर बजाज ने ड्यूक 390 और RC 390 को लॉन्च किया, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई सबसे पावरफुल बाइक्स में से एक थी। 2017 में कावासाकी ने यह अनाउंस किया कि वो बजाज के साथ अपनी 33 ईयर्स लॉन्ग पार्टनरशिप को ख़त्म कर रहा है। कावासाकी के इस डिसीजन के पीछे KTM और बजाज की पार्टनरशिप को बताया जाता है। 2017 में ही बजाज ने अपनी मच अवेटेड बाइक डोमिनार 400 को लॉन्च किया। डोमिनार 400 KTM ड्यूक 390 पर बेस्ड बाइक थी। इसी साल बजाज ने यह भी अनाउंस किया कि वो हस्क्वर्ना ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करेगी और हस्क्वर्ना ब्रांड को इंडिया में लॉन्च करेगी। 2020 में बजाज ने हस्क्वर्ना ट्विन्स को लॉन्च किया। इसी साल बजाज ने डोमिनार 250 को भी लॉन्च किया और ये भी अनाउंस किया कि वो ट्राइम के साथ पार्टनरशिप करेगी और 200 से 700 cc की बाइक्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। बजाज ऑटो इंडिया की एक कंपनी फोर्स मोटर्स की भी पेरेंट कंपनी है। आज बजाज ऑटो इंडिया की लार्जेस्ट टू व्हीलर एक्सपोर्टर कंपनी है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।